मेरे प्यारे दोस्तों, विशाल जायसवाल चोकर सेट की तरफ से। यार मैं कई दिनों से है ना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कई कस्टमर्स मेरे से पूछते हैं कि भैया फर्क बताओ मोजोनाइट डायमंड में, लैब ग्रोन डायमंड में और नेचुरल डायमंड में। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इन्हें क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा डीप में चलेंगे जहां तक जा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत डिटेल है इन चीजों के अंदर। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मोजोनाइट अपने आप में एक अलग जैम होता है, ठीक है ना। और जो नेचुरल डायमंड हो गया और लैब ग्रोन डायमंड्स हो गए, ये केमिकली इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, दोनों ही 100% कार्बन से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मोजोनाइट डायमंड कार्बन प्लस सिलिका मिक्स होता है, ठीक है ना, एक अलग ही जैम होता है। पर ये बिकता इसलिए खूब है कि एक रीजनेबल कॉस्ट में आ रहा है, दूसरा ये पहनने के बाद कोई इसको बता नहीं पाता है, ये डायमंड नेचुरल डायमंड की तरह ही लगता है। दूसरा जो इसकी हार्डनेस होती है, जितने भी इस तरह के जैम्स होते हैं उनकी हार्डनेस हम मोह स्केल के ऊपर नापते हैं, MOH मोह स्केल। तो उसके अंदर अगर नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड की हार्डनेस 10 के स्केल के ऊपर 10 होती है, तो हमारे मोजोनाइट की 9.25 होती है मोह स्केल के ऊपर हार्डनेस। तो काफी सारा ये बहुत बढ़िया चीज है, अल्टरनेटिव डायमंड का बहुत बढ़िया है, क्योंकि जर्कन पता चल जाता है, दूसरा डायमंड टेस्टर पास नहीं होता था जर्कन, और कुछ टाइम के बाद जर्कन खराब भी हो सकता है अगर हल्की क्वालिटी का है, तो अच्छी क्वालिटी का भी हल्का सा डल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मोजोनाइट के साथ ये दिक्कत नहीं है, तभी हम इसको अपने 14 या 18 कैरेट या 22 कैरेट में बनवा रहे हैं। इसके अंदर काफी सारी चीजें और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके बावजूद भी हम किसी को डिनाई नहीं करते हैं कि कोई अगर जाना चाहे लैब ग्रोन के साथ, ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक रेट्स का आइडिया दे देता हूँ। मोजोनाइट इंडिया के अंदर आज की तारीख में हमारे पास जो आइटम है 1,000, 2,000, 3,000 रुपए कैरेट है। मार्केट में लोकल ज्वेलर्स 5,000 के आसपास, ब्रांडेड ज्वेलर 10,000 तक कैरेट में मोजोनाइट डील कर रहे हैं, ठीक है ना, सर्टिफाइड मोजोनाइट्स। लैब ग्रोन की बात करी जाए तो मार्केट के अंदर 25-30 हजार रुपए से कैरेट स्टार्ट हो जाता है लैब ग्रोन डायमंड। ये मैं कंपेयर उस क्वालिटी के नेचुरल डायमंड के साथ कर रहा हूँ जो लाख रुपए के अंदर आपको मिलेगा। इसके अंदर 3 C's जो मैटर करती है, कलर, क्लैरिटी और कट, ये जो सर्टिफिकेशन होता है IGI द्वारा, ये लैब ग्रोन के अंदर भी आपको मिलेगा। लैब ग्रोन के अंदर भी 3 C's के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। तो जो 3 C's की जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, लाख रुपए कैरेट के अंदर नेचुरल डायमंड्स में मिलेगी, वही आपको 25-30 हजार रुपए से अपना लैब ग्रोन के अंदर मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नंबर एक, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो मैं बंद करता हूँ अभी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्यूचर की, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखो लैब ग्रोन जो डायमंड्स होते हैं ना, मोजोनाइट को तो हम छोड़ देते हैं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बजट के हिसाब से मैं तो रिकमेंड करता हूँ, बढ़िया है मोजोनाइट। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें नेचुरल डायमंड या लैब ग्रोन के साथ ही आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है जिनका बजट होगा, क्योंकि अभी भी लैब ग्रोन डायमंड्स काफी महंगे रेट में मिल रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के जो IGI सर्टिफाइड है 25,000 रुपए से स्टार्टिंग होते हैं। पर इसमें हम फर्क नेचुरल डायमंड में और लैब ग्रोन डायमंड में, हमारे पास ये फायदा होता है, ये बेनिफिट होता है कि हम लैब ग्रोन के अंदर थोड़े बड़े साइजेस के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। जहां नेचुरल डायमंड अगर हम सोचते हैं एक कैरेट का डी कलर VVS1 जो टॉप मोस्ट इसकी कैटेगरी होती है, वो अगर हम लेते हैं तो बहुत महंगा आएगा, वही अगर हम अपना लैब ग्रोन के साथ चले जाते हैं तो काफी कम रेंज के अंदर भी वो चीज हमें अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल सकती है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है ना, आप छोटे छोटे डायमंड्स देखते हैं ज्यादातर, जो नेचुरल डायमंड्स के अंदर लोकल सुनार यूज करते हैं, 25-30 हजार रुपए कैरेट वो लोग बेचते हैं। और उसके अंदर मैं आपको साइज बताता हूँ, 1 सेंट से लेकर ज्यादातर वो जो साइज होता है ना 3 या 4 सेंट तक का होता है, जिसे हम चूरा कहते हैं, ठीक है ना। और वही अगर हम लैब ग्रोन में चले जाते हैं या फिर अपने मोजोनाइट के अंदर चले जाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है कि उसी प्राइस रेंज के अंदर या उससे कम प्राइस रेंज के अंदर बड़े साइजेस के साथ जा सके। तो इंडियंस के मन में तो रहता ही हमेशा कि यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज हो तो बेटर है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आने वाले टाइम के अंदर लैब ग्रोन डायमंड जो आज की तारीख में 25-30 हजार रुपए कैरेट से स्टार्टिंग होने के बाद बिक रहा है, ये आने वाले टाइम के अंदर इसके रेट कम हो सकते हैं, क्योंकि ये लैब ग्रोन है, ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सस्ती हो रही है, आपको भी बताइए, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर ये चीज सस्ती हो सकती है। नेचुरल डायमंड दोनों चीजें हैं, इसकी डिमांड बढ़ भी सकती है, क्योंकि कंपैरिजन अगर लैब ग्रोन से करा जाए तो लैब ग्रोन की है ना सेल बहुत बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो सेल अगर लैब ग्रोन की बढ़ रही है तो हो सकता है उसकी नेचुरल डायमंड की कम हो। पर अगर कंपैरिजन करा जाए, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो नेचुरल डायमंड को प्रेफर करते हैं कि नहीं यार हमें नेचुरल डायमंड की वैल्यू अलग है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपका डिसीजन रहेगा कि किस तरफ जाना है। दूसरा, इसकी बायबैक वैल्यू के बारे में हम डिस्कशन करते हैं तीसरे वीडियो के अंदर। अच्छा, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मन में सवाल ये होता है कस्टमर के, एज अ कस्टमर, कि सर बाय बैक वैल्यू का बताइए क्या क्या खेल है। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें थोड़ा सा डीप जाके मैं आपको वर्किंग बताता हूँ सुनारों की या ज्वेलर्स की, हमारे हम लोगों की क्या वर्किंग होती है, क्या माइंड सेट होता है, किस तरह से हम लोग बेचते हैं ये चीजें। देखो, पहली चीज मोजोनाइट डायमंड को तो हटा दो, उसकी तो जीरो बाय बैक है, ठीक है ना। कायदे में लैब ग्रोन की भी कोई बाय बैक नहीं है, पर
हर दुकानदार की दुकानदारी करने का तरीका अलग है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको लैब ग्रोन के अंदर ज्यादातर अच्छे जो दुकानदार होंगे 80% तक की आपको बायबैक ऑफर कर रहे होंगे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। ये ध्यान रखिएगा, करंट मार्केट प्राइस, सपोज आज की तारीख में अगर कोई 25,000 रुपए कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड आप लेते हैं तो 80% मतलब 20,000 रुपए आज की तारीख में, अगर आज खरीद के भी आज बेचते हैं। और इन फ्यूचर, मेरा सेकंड पॉइंट याद है ना, इन फ्यूचर अगर प्राइसेस कम होते हैं तो उस वक्त का जो करंट प्राइस होगा तो उसकी आपको वैल्यू मिलेगी 80% के आसपास। ये भी लैब ग्रोन के अंदर दुकानदार सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए आपसे बायबैक करेंगे, क्योंकि उनका एक एवरेज होता है कि हाँ भाई 10 में से कितने जने वापस आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा सपोज मेरे पास, आप मेरे से आज 25,000 रुपए कैरेट की एक आइटम खरीदते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू, होलसेल मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए, 20,000 में मेरे को आता है, मैं आपको 25,000 का बेच रहा हूँ। कल को अगर वो मार्केट वैल्यूज की 10,000 रुपए रह गई तो मैं आपको 20,000 रुपए कैसे ऑफर करूंगा, ठीक है ना। 10,000 तो मार्केट वैल्यू है, प्लस मेरे को 20% का मेरे को भी तो प्रॉफिट चाहिए ना, ठीक है। 2,000 रुपए मैं भी कमाऊंगा, 8,000 रुपए में अगर कोई चीज मुझे मिल रही है तो मैं आपसे 10,000 में क्यों लूंगा, मैं भी आपको उस वक्त करंट मार्केट प्राइस का 20% काट के ही आपसे वापस लूंगा, ठीक है ना। तो रेट 25,000 का रह जाएगा 8,000। मेरा हमेशा कहने का मतलब ये होता है कि डायमंड की आप है ना, कोई इसकी वैल्यू है ना, इसकी इमोशनल वैल्यू मानो, ठीक है ना। डायमंड की कभी भी आप वैल्यू, रीसेल वैल्यू माइंड में रख के मत चलो, ठीक है ना, क्योंकि आपको फिर दुख होगा। हमेशा मान के चलो, अगर लोकल मार्केट में हर एक को, एक तो हाथ रखेगा नहीं, ठीक है ना, हर एक कोई उठाएगा नहीं, आपको उसी के पास जाना पड़ेगा जहां से आपने खरीदा है। अच्छा, दूसरा, नेचुरल डायमंड के अंदर 10% माइनस करके भी लोग दावा कर रहे हैं, ले लेते हैं, वो क्या खेल होता है मैं बताता हूँ। छोटे पॉइंटर्स 1 सेंट से लेकर 3 सेंट तक जो लोकल सुनार 25,000 रुपए कैरेट बेच रहे हैं, जो बड़े सुनार, बड़े ब्रांड्स होते हैं, 1-1 लाख रुपए कैरेट बेच रहे हैं, आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो वर्किंग कैसी है उनकी, 25-30 हजार रुपए की आइटम 1-1 लाख रुपए कैरेट बेच रहे हैं, अश्योरेंस दे रहे हैं कि 90% में वापस ले लेंगे। क्यों लेंगे? ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए, ठीक है ना। जो 25-30 हजार 40 हजार की आइटम है, पहले तो आपको वो 1 लाख रुपए कैरेट में बेच रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें भी वो एवरेज लेके चलेंगे कि हाँ भाई 10 में से कितने जने वापस आ जाएंगे, और कितने जने ऐसे होंगे जो पैसे वापस मांगने की ख्वाहिश रखेंगे। 90% में से 1% में से भी ऐसे लोग तो बहुत कम होंगे ना जो पैसे मांगेंगे, उसमें से भी वो लोग कोशिश ये करेंगे कि चीज एक्सचेंज करके आपको दे दी जाए, ठीक है ना। तो ये एवरेज का सारा खेल रह जाता है। तो मेरे हिसाब से, मेरा कोई हिसाब नहीं है, आप देखो, आप दिमाग है आप लोगों के पास, आपको अपने बजट के हिसाब से, दूरदर्शिता के हिसाब से आप किसके साथ जा सकते हो, मोजोनाइट डायमंड के साथ, लैब ग्रोन डायमंड के साथ, या नेचुरल डायमंड के साथ, ठीक है ना। चौथा एक और पॉइंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये रिंग हमने बनवाई हुई है 14 कैरेट गोल्ड के अंदर मोजोनाइट डायमंड के साथ टोटली, ठीक है ना। अब ये प्राइस के अंदर, अगर हमें प्राइस रेंज के अंदर लानी होती है और नेचुरल डायमंड में बनानी होती है तो हम इतने बड़े साइज के साथ जा ही नहीं सकते थे। ये देख रहे हैं कितना बड़ा साइज है साइड पॉइंटर्स का भी, ठीक है। ये नेचुरल डायमंड में आपको 1 से 3 सेंट तक का साइज लगाया जाएगा, ये मान के चलिए 6 सेंट के आसपास का साइज है, तो डबल का फर्क हो गया, ठीक है ना। और मोजोनाइट कोई बता नहीं सकता है, सेम ही लगती है, अपीयरेंस इसकी ऑलमोस्ट सेम होती है, डायमंड डस्टर पास होते हैं। दूसरा, नेचुरल डायमंड में इतना बड़ा पत्थर अगर हम ये जैसे 1 कैरेट का ले रखा है, अगर नेचुरल डायमंड में डी कलर VVS1 का लेके चलेंगे तो 2.5 लाख रुपए से कम में नहीं आएगा, ठीक है ना। और वही अगर हम डी कलर का लेके चलते हैं लैब ग्रोन VVS क्वालिटी, वो भी 50-60 हजार रुपए कैरेट से कम में नहीं आएगा, और मोजोनाइट मान के चलो ये तो 1,000-2,000-3,000 रुपए कैरेट है। तो पैसे बचाने वाली चीज है यार ये, मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में। हाँ, लैब ग्रोन के साथ जिसका जैसा बजट होता है, ये तो आपकी ख्वाहिश है, आपका मन के अंदर है कि हाँ भाई लैब ग्रोन के साथ जाना है, नेचुरल डायमंड के साथ जाना है, तो वो आपकी वो है। पर मेरे हिसाब से, मेरे से आप ये बनवाओ मोजोनाइट डायमंड के अंदर, मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी आज की तारीख में बहुत पैसा आप बचा सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए मान के चलो 10,000 रुपए कैरेट से नीचे हो गया मोजोनाइट हो गया, 25 ऐसे करते हैं चलो, ठीक है ना। 100% अगर नेचुरल डायमंड की वैल्यू है तो 1/4 वैल्यू के अंदर तो आपको लैब ग्रोन मिल रहा है, 1/4 हो गया, और 1/10 से भी कम के अंदर आपको मोजोनाइट मिल रहा है। ये इसका लमसम हिसाब किताब है, ठीक है ना। चलो, टाटा बाय बाय।